एक बार जमीन की वाली है और एक बार माफ करा की वाली, तो हम इस वाली को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ, भगवान जी की बात का मैं भी समर्थन करता हूँ कि मानव जी को लोकसभा चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से हम निकालें। लेकिन बात ये भी है, भगवान जी ने कहा ठीक है विधानसभा चुनाव हुए उसको भूल दो, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। कैसे भूल रहे हैं? नहीं भूलेंगे। आज जो कांग्रेस पार्टी के विरोधी थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, जो जटिल प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, जो पूरे जन बैठे थे, वो आज कांग्रेस कमेटी में आके बैठे हुए, क्या कांग्रेस की सफाई नहीं थी? कांग्रेस से निकालना पड़ेगा, मैं खुल्ला कह रहा हूं, ऐसे को कांग्रेस से निकालना पड़ेगा। जो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं वो आज कांग्रेस कमेटी में, ये कांग्रेस चलेगी। गणेश भोगा चुनाव नहीं लड़ रहा था, कांग्रेस का सिंबल चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन तुम सबने मिलकर कांग्रेस को हराने का काम किया। और आज तुम कांग्रेस की बात करते हो, कौन से कांग्रेस की बात कर रहे हो? वो भी समय आने पर हम बताएंगे किस किसने क्या किया। ऐसे पदाधिकारियों को आप मंत्री थी और आप बैठे हुए हैं, ये कौन हटाइए यहां से, वो नए कांग्रेस को नए को जोड़ो। आज विधानसभा में समीक्षा होनी चाहिए, कौन कौन पदाधिकारी हराने में लगा था उनको पहले यहाँ से गेट आउट करो, बाहर करो। हमारी डूंगरपुर विधानसभा आपको और प्लस करके देंगे कार्यकर्ताओं के दम पर। आप उसे करके बताओ ये भले कितना भी दम लगा दें, हमारे डूंगरपुर विधानसभा हम प्लस करके बताएंगे। लेकिन जो आप कांग्रेस के गद्दार हैं, जो कांग्रेस के दलाल हैं, उनको बाहर आप प्लस निकालेंगे। उनको निकालना जरूरी है, उन दलालों को पहले बाहर निकालो। तो कांग्रेस हमारी माँ है, कांग्रेस हमारी बाप है, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आज कांग्रेस ने पहचान दी, आज कांग्रेस की वजह से तुम बढ़ो और कहते हो कि कांग्रेस को हराओ, फिर किस मुंह से आप कह रहे हो वापस हम कांग्रेस को जिताएंगे? क्या आपको कहने का अधिकार नहीं है कांग्रेस को हम जिताएंगे? शर्म आनी चाहिए आपको, कांग्रेस का प्रचार नहीं कर रहे हो और वापस कांग्रेस के प्रति जाके बैठ रहे हो, किस मुंह से बैठ रहे हो आप? आज राहुल गांधी जी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, छत्तीस कौन के लिए पैदल चल रहे हैं। आज अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत जी के नाम पर तुमने खूब कमाया, खूब काम किया है। आज अशोक गहलोत जी को तुम हराने के लिए कर रहे हो क्या? गणेश बोगरा हारा था, सरकार बनती कांग्रेस से बन रही थी, अशोक गहलोत जी बन रहे थे और बाप को भी किसने बना दी? बाप को भी कांग्रेस के नेताओं ने बना दी। आज उनकी वजह से कांग्रेस से अलग कर वो फिर कह रहे गठजोड़ करेंगे, हम गठजोड़ में नहीं, हम कांग्रेस से ही रहेंगे। गठजोड़ किस बात का गठजोड़? कांग्रेस ने 70 साल में सुई बनती थी, वो कांग्रेस ने इतने बड़े 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 बांध बना, बड़े बड़े कॉलेज बना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बना, इतना काम किया है और हम कह रहे हैं गठजोड़ करेंगे। अरे तुमने वही क्या उसी से कांग्रेस कमजोर किए? ऐसे कमजोर करने वाले लोगों को बिल्कुल बाहर निकालिए। कांग्रेस में बहुत नए आने के लिए तैयार है और काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन ऐसे विभीषण जो बैठे हैं कांग्रेस में उनको बिल्कुल जल्दी बाहर निकाले। मंत्री जी मालवीय जी और जाट साहब आप बैठे हैं, हमारी बात पहुंचा है, तू भी गलत कह रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ताओं की तकलीफ है, कांग्रेस को हम मजबूत करेंगे, लेकिन नाम मात्र के कांग्रेस के संगठन के बन गए पदाधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं। आज नाथुराम जी एमएलए बने भाई, क्या क्या नाथुराम सीधे साधे उनका फायदा उठाया आप लोग सब लोगों ने, क्या विकास किया बताओ? आज गणेश बोगरा को भी तुम नाथुराम जी बनाना चाह रहे हो? मैं गरीब की सेवा करना चाहता हूँ, उसका काम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे रिमोट कंट्रोल से चलने वाला गणेश बोगरा नहीं है, वो नहीं चलूंगा मैं। कार्यकर्ता गरीब है उनकी सुनूंगा, 36 कौन की सुनूंगा, लेकिन एक नेता चाहता है कि गणेश बोगरा को मैं कहूंगा ऐसे चलेगा, नहीं चलूंगा मैं। राहुल गांधी कहेगा ऐसे चलूंगा, कांग्रेस पार्टी कहेगी ऐसे चलूंगा, अशोक गहलोत कहेगा ऐसे चलूंगा, लेकिन यहाँ के नेता चाहते हैं कि हम कहें ऐसे गणेश बोगरा चले, गणेश बोगरा कहते ही नहीं चलेगा। हम कांग्रेस पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ, लेकिन जिस तरह से तुम कांग्रेस पार्टी की क्या क्या विधानसभा में तुमने
इसके हमारे मंत्री जी मालिया जी है, जाट साहब है, रोहित बोरा जी भी है, और आप हमारे कार्यकर्ता आप सब जानते हैं। हम हमारे विधानसभा से वापस प्लस करके देंगे और वापस डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो लोकसभा सीट है मालिया जी को वापस। तुम मुंह में नाम और बदल में चुरी उसे कह रहे हो कांग्रेस को हराओ, और इधर कांग्रेस की बात करते हो, इस मुंह से बात कर रहे हो तुम, नहीं करनी चाहिए तुमको और सी बात। वो तो ठीक है कांग्रेस कमेटी है, लेकिन विधानसभा में घूम रहा तुमको जूते नहीं मारेंगे लोग, कहना देखे तुमने किस किस ने कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया है, तुमको जूते मारेंगे लोग जूते। अब कांग्रेस की बात कहीं सुझा के गाँव में मत कर देना, जो कांग्रेस को हराने लगे थे वो कांग्रेस की बात गाँव में जाके मत करना, जनता को सब पता है तुमने किस किस को फोन किए, किस किस का प्रचार किया सब पता है। ये भूल से कांग्रेस की बेटी है और ये हमारे मंत्री जी बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो ये कार्यकर्ता भी जूते मारने के लिए भी तैयार बैठे होंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे में तकलीफ है इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस की तकलीफ है इसलिए कह रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।